स्वागत है आपका अपने चैनल चॉक एंड स्लेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक को लेकर जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। इस वीडियो को मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया है, तो और कोई भी स्टूडेंट जिसे किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को लेकर डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन पे कमेंट करे, जल्द से जल्द मैं उसके वीडियो को बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले समझते कि कॉन्ग्रुएंसी का मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ज्योमेट्री के लिए कॉन्ग्रुएंसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड में आप जो भी प्रूविंग करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करती हूँ। जैसे कि आप देखो, अगर मैं इस पाम के ऊपर अपने इस पाम को रखूंगी तो ये क्या होगा, ये दोनों पाम आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप का मतलब क्या, अगर आप उधर से देखोगे तो आपको मेरा इधर वाला पाम दिखाई नहीं देगा, और अगर मैं इधर से देखूंगी तो मुझे मेरे लेफ्ट साइड वाला पाम दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये दोनों पाम आपस में ओवरलैप हो चुके हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर, अगर एक ज्योमेट्रिकल फिगर को दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर रखा जाए और वो दोनों आपस में ओवरलैप करे, कोइंसाइड करे, तो वो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में क्या कहलाते हैं, वो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ईच साइड और ईच एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब इस ट्रायंगल के तीन साइड है, बी जो साइड है वो इक्वल है डी ई साइड के साथ, बी सी जो साइड है वो मेरा इक्वल है ई एफ साइड के साथ, और ए सी जो साइड है वो मेरा इक्वल है डी एफ साइड के साथ। उसी तरह से अगर हम एंगल्स में देखें तो एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे साइड और सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जो साइड जिस साइड के साथ ओवरलैप करे, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में ए बी जो है वो डी ई के साथ ओवरलैप करेगा, तो मैं ए बी और डी ई को क्या बोलूंगी, करस्पॉन्डिंग साइड। बी सी जो है वो मेरा डी एफ के साथ ओवरलैप करेगा, तो बी सी और डी एफ क्या हो, ई एफ क्या हो गया मेरा, करस्पॉन्डिंग साइड। AC जो है वो DF के साथ करेगा, तो AC और DF मेरा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड। उसी तरह से अगर हम एंगल्स में देखें तो एंगल A और एंगल D है मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल B और एंगल E है करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल C और एंगल F है मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल। इतना क्लियर हुआ, मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके तीनों साइड और तीनों एंगल, पहले ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के इक्वल होंगे। बट दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मुझे सारे साइड्स और सारे एंगल्स को इक्वल दिखाना जरूरी नहीं है। सपोज आप किसी पार्टी में गए और आपको अगर देखना है कि वहाँ खाना टेस्टी है या नहीं है, तो आप पूरा का पूरा जो आपने प्लेट लिया है उसमें आपने जितने खाने को भी लिया, अगर आप पूरा का पूरा खाना खाओगे तभी जरूरी थोड़ी है कि आपको पता चले कि वो खाना टेस्टी है या नहीं। हम दो तीन बाइट में भी तो पता लगा सकते हैं ना कि थोड़ा सा खाना खाया और पता चल गया कि खाना टेस्टी है कि नहीं है। उसी तरीका से हम कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करके बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है मेरा एस एस एस, मीन्स अगर दो ट्रायंगल मुझे गिवन है, दो ट्रायंगल मुझे गिवन है और दोनों ट्रायंगल के मैंने तीनों साइड को इक्वल दिखा दिया, मतलब इस साइड को इस साइड के साथ, ये साइड इस साइड के साथ और ये साइड इस साइड के साथ, तो दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट साइड 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 से मैंने प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड तो तीनों हो गया, अब क्या बचा, एंगल। अगर मैंने साइड 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 को इक्वल दिखा दिया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब वो दोनों ट्रायंगल आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब उनका हर एक चीज इक्वल होगा। तो उस बेसिस पे हम बोल सकेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये डी ई एफ ट्रायंगल है, हमने साइड 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 से, मतलब हमने दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड को आपस में इक्वल दिखा दिया, तो फिर हमें एंगल को इक्वल दिखाने का दरकार नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट बोल सकेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ बाई सी पी सी टी।
सीपीसीटी मीन्स क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अभी मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, जो साइड या जो एंगल जिस एंगल या साइड से ओवरलैप करता है, तो वो दोनों एंगल या साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आया क्या, कि सिर्फ अगर मैंने दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड को आपस में इक्वल दिखा दिया। नंबर टू आता है एंगल साइड एंगल, मींस अगर दो ट्रायंगल मुझे गिवन है और दोनों ट्रायंगल के मैंने दो एंगल और एक साइड को इक्वल दिखा दिया, जैसे मैंने इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखाया, इसके भी इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखाया और ये दोनों साइड को इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बचा ये एंगल, ये दोनों एंगल को हम सीपीसीटी से इक्वल बोल सकते हैं और ये दो साइड को भी हम सीपीसीटी से मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कन्वर्ट ट्रायंगल से इक्वल बोल सकते हैं। थर्ड आता है मेरा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब अगर दो ट्रायंगल मेरा गिवन है, उस दो ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल, और यहाँ जो एंगल आएगा वो मुझे इंक्लूडेड एंगल लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों साइड लिया तो ये एंगल और इसके भी ये दोनों साइड और ये एंगल को हमने इक्वल दिखा दिया, तो दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल आर एच एस, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। अगर मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो फर्स्ट तो मेरा राइट एंगल 90 डिग्री, एच मीन्स हाइपोटेनस, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस को इक्वल दिखाना है, और एक साइड चाहे आप ये साइड को इस साइड के साथ दिखाओ चाहे इस साइड को इस साइड के साथ दिखाओ, तो दोनों ट्रायंगल मेरे कंग्रुएंट हो जाएंगे। ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब आता है कंग्रुएंसी का साइन। तो अगर दो ट्रायंगल को हमने कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हम उसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो अगर दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी कंग्रुएंट डी ई एफ। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्लियर, यहाँ तक समझ के हमें क्या समझ में आया कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें उसके सारे साइड्स और एंगल को इक्वल दिखाना जरूरी नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड या आर एच एस, इसमें से किसी एक को भी हमने प्रूफ कर दिया तो वो दोनों ट्रायंगल मेरे कंग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते सम्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये मुझे ऐसे दिया हुआ है। अब अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है या नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे कि इस ट्रायंगल का फिगर ऐसा है, इस ट्रायंगल का फिगर ऐसा है, तो ये कंग्रुएंट है। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। कैसे, अगर आप इसे ऐसे ले जाकर इस पर प्लेस करोगे तो देखो ये इक्वली एक दूसरे पर ओवरलैप हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो ट्रायंगल मुझे ऐसे ही दे, ये कैसे भी करके घुमा के या स्लांटिंग करके कैसे भी दे सकता है। तो उस फिगर को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज 19 के नंबर 1 में क्या बोला है, पेयर ऑफ ट्रायंगल गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कंग्रुएंट और नॉट। ये जो ट्रायंगल गिवन है मुझे प्रूफ करना है कि ये कंग्रुएंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो मेरा क्या है, मुझे इस तरीके से दिया हुआ है, या बना लो इस तरीके से, मुझे दो फिगर बनाया हुआ है। ये गिवन है 90 डिग्री, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी गिवन है 90 डिग्री, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इन दोनों फिगर में देखो तो आप किस क्राइटेरिया को यूज कर सकते हो, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल दोनों में इक्वल है 90 90। अगर आप हाइपोटेनस देखो तो उसमें हाइपोटेनस मेरा क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। इसमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है। अगर आप चाहो तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा है हमने, तो हाइपोटेनस क्या आएगा मेरा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मीन्स रूट अंडर 20 आएगा। यहाँ मेरा हाइपोटेनस आया रूट अंडर 20 और यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस गिवन है 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल नहीं हुआ। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर नॉट कंग्रुएंट। क्लियर हुआ सबको। अब देखो नंबर टू, नंबर टू में क्या गिवन है, इसमें भी मेरा दो ट्रायंगल ऐसे बना दिया है
ये है 40 डिग्री, ये है मेरा 30 डिग्री, और यहाँ पे आप देखो, नहीं सॉरी ये उल्टा है ना, ऐसे नहीं है, ये ट्रायंगल मेरा ऐसे है, ये है 110 डिग्री, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो इसी के जैसा बन जाएगा। सबसे पहले हम एंगल्स निकाल के देख लेते हैं। इस ट्रायंगल का ये एंगल है 40 और ये है 30, तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। 180 को अगर हम 70 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा मेरा 110 डिग्री। क्लियर हुआ ना, 40 प्लस 30 होता है 70, और 180 में से अगर हमने 70 माइनस किया तो ये आ गया मेरा 110 डिग्री। इसको अगर मैं ऐसे करूं, ये फिगर को अगर मैं ऐसे करूं, तो ये मेरा ऐसा बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 110। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ड्रॉ कर लो, और जब मैं इसे इस तरह से करूँगी तो ये डबल वाला साइड इधर आ जाएगा और ये ट्रिपल जो डॉट स्लैश दे के बना है ये साइड इधर आ जाएगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल दिख रहे हैं मुझे, दो साइड है और एक इंक्लूडेड एंगल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent by side angle side SAS rule, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो नंबर थर्ड में क्या गिवेन है, उसमें भी ऐसे ही दो फिगर बना दिया है। ये वन नंबर में टोटल 7 सम्स है, उसके मैं कुछ कर दे रही हूँ और कुछ स्किप कर रही हूँ जो आप बनाना, और किसी को भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। देखो नंबर थर्ड क्या है, ये ट्रायंगल मेरा ऐसे गिवन है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये ट्रायंगल मेरा ऐसे गिवन है, और इसमें ये है मेरा 4 सेंटीमीटर और ये है मेरा 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, 5 सेंटीमीटर यहाँ है और 5 सेंटीमीटर यहाँ है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये कंग्रुएंट हो जाना चाहिए। पर ये कंग्रुएंट नहीं है, कैसे नहीं है, तो ये अगर इस ट्रायंगल का अगर आप नाम दो ए बी सी, और इस ट्रायंगल का अगर आप नाम दो डी ई एफ, तो मुझे ए बी साइड को डी ई के इक्वल दिखाना था। करस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं, जो साइड जिस साइड के साथ ओवरलैप करे, कोइंसाइड करे। तो आप देखो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होना चाहिए, पर ए बी यहाँ डी ए के इक्वल नहीं आ रहा है, ए बी जो है मेरा वो डी एफ के इक्वल आ जा रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं है। क्लियर हुआ। अब मैं लास्ट नंबर 7 बता रही हूँ, बाकी 2-3 सम सेम है तो मैंने वो स्किप कर दिया, वो आप बनाना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसे फिर से डिस्कस कर दूंगी। अब देखो नंबर 7 लास्ट क्या है, ट्रायंगल एबीसी इन विच, एक ट्रायंगल बनाना है मुझे एबीसी, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, इसे भी इरेज कर दे रही हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए बी सी इन विच ए बी जो है वो मेरा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर हुआ। BC 3.5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल सी जो है वो है 80 डिग्री, हो गया। एक और ट्रायंगल है डी ई एफ, यहाँ मैंने एक और ट्रायंगल बनाया डी ई एफ, क्लियर, DE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, DF है 3.5 सेंटीमीटर, DF है ना, DF ये DEF, ठीक है, ये DF है मेरा 3.5 सेंटीमीटर, और एंगल D है 80 डिग्री, ठीक है, ये मैंने बाहर लिख दिया ऐसे 80 डिग्री। अब बताना है आपको, अब बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो अगर अब इसे ऐसे कर दो, इस फिगर को अगर मैं ऐसे बना दूं,
जैसे इसमें बनाया हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री मेरा यहाँ पे आएगा। 80 डिग्री के इस साइड पे मेरा क्या है 80 डिग्री अगर मेरा ऐसे आएगा तो इस साइड पे होना चाहिए मेरा 3.5, मींस जहाँ 3.5 सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे है और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है। 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, पर इंक्लूडेड एंगल जो है वो मेरा अलग अलग है। यहाँ इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री है, इस फिगर में इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री है, इस फिगर में इंक्लूडेड एंगल गिवन नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर हम साइड एंगल साइड लेते हैं तो दो साइड के साथ मुझे इंक्लूडेड एंगल लेना है। आप ऐसे मत देख लेना कि ये दोनों साइड इक्वल है और एंगल यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है तो ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। नहीं, अगर मैंने जो दो साइड को इक्वल लिया है उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए, उसे ही हम कन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों ट्रायंगल मेरे कन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी किया नंबर वन, अब नंबर टू देखो। नंबर टू क्या है, इसमें फिगर गिवन है, फिगर गिवन है, फिर भी मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे मतलब चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उनके पास सलीना की बुक नहीं है तो वो कैसे करेंगे, इसलिए मैं फिगर बना ले रही हूँ ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सके। तो ये ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है, मैंने फिगर बना लिया। अब नेमिंग करूं ए डी सी डी बी और ये ए, ठीक है, और बोला है कि इस गिवन फिगर में मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ये कंग्रुएंसी का साइन है, अभी मैंने बताया था कि साइन, ये जो साइन है वो किसका साइन है, वो कंग्रुएंसी का साइन है। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो कैसे कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे, अगर दो ट्रायंगल को मुझे कंग्रुएंट प्रूफ करना है तो जो चार क्राइटेरिया उसमें से किसी एक को फुलफिल करना पड़ेगा। एंगल्स तो यहाँ गिवन नहीं है तो मैं साइड 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 वाला यूज करूंगी। अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे प्लेस कर दूं तो मेरा कौन दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा, BD किसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा, DC के, क्योंकि आप देखो अगर आप इसे उठा के ऐसे लाओगे, अगर मैं इसे वो मेरे ट्रायंगल वाले से हेल्प से समझाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे BD ऐसे है ना, अगर मैं इसे ऐसे लाऊंगी तो BD मेरा नीचे आया ना, क्लियर हुआ, तो BD बोला मैंने, सॉरी CD, तो BD साइड CD के कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट नहीं करस्पॉन्डिंग है, और AB साइड AC के करस्पॉन्डिंग है। तो नंबर वन अगर हम लिखे AB इज इक्वल टू AC, नंबर टू BD इज इक्वल टू CD, एंड नंबर थर्ड अगर हम देखें तो एडी, एडी इज कॉमन, एडी इज कॉमन का मतलब एडी इस ट्रायंगल के लिए जितना होगा एडी इस ट्रायंगल के लिए भी उतना ही होगा। कि ये दोनों में सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कुछ भी हो, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर ट्रायंगल ए सी डी के लिए है तो ये 5 सेंटीमीटर ट्रायंगल ए डी बी के लिए भी होगा। तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, एडी इज कॉमन। तो मेरा तीनों साइड आ गया, देयरफोर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय एस एस एस, साइड साइड साइड, जिस क्राइटेरिया से आपने प्रूफ किया ये आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर टू पे, आप लोग भी मेरे साथ फटाफट करते जाओ, हाफ एन आवर के टारगेट में हमें इस चैप्टर को फिनिश करना है। देखो नेक्स्ट नंबर थ्री क्या है, ये एक फिगर बना हुआ है ऐसा, ये
ठीक है, सबसे पहले बोला है प्रूफ करना है ट्रायंगल सी डी ए कंग्रुएंट ट्रायंगल सी ए बी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे भी एंगल्स गिवन नहीं है, मतलब साइड 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 से होगा। तो देखो ये सिंबल दे दिया, आई मीन सी डी जो है वो सी बी के इक्वल है। पहले लिख लो किस किस ट्रायंगल में करना है, इन ट्रायंगल सी डी ए एंड ट्रायंगल सी बी ए। सी बी ए नंबर वन क्या गिवन है, सी डी इज इक्वल टू सी बी। नंबर टू क्या गिवन है, डी ए इज इक्वल टू ए बी, डी ए इज इक्वल टू ए बी। और नंबर थर्ड जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, सी ए इज कॉमन, सी ए इज कॉमन, देयरफोर ट्रायंगल सी डी ए कंग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ए बाय साइड साइड साइड। साइड साइड से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया, कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आगे बोला है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल बच गए वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल बी और एंगल डी आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लेकर आऊं तो बी डी के साथ ओवरलैप करेगा। मतलब देयरफोर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा बाय सी पी सी टी, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों को हमने क्या प्रूफ कर दिया, अब इक्वल प्रूफ कर दिया। और नंबर थर्ड बोला है, यहाँ लिख दूं ए सी बाइसेक्ट एंगल डी सी बी। थर्ड मुझे बोला है प्रूफ करो कि ये जो ए सी है या सी ए है, जो भी बोलो, वो एंगल डी सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्लियर है, इसे प्रूफ करने के लिए हमें बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसे अगर मुझे प्रूफ करना है कि सी ए एंगल डी सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। और ये दोनों एंगल मेरे ऑटोमेटिकली इक्वल हो चुके, कैसे हो चुके, हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया है, कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और ये दोनों एंगल मेरे इन दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे क्या लिखना है, सिंस ट्रायंगल सी डी ए कंग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ए देयरफोर, या विच इंप्लाइज लिख दो, वो इंप्लाई क्या करेगा कि एंगल डी सी ए एंगल डी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, सो ए सी बाइसेक्ट, ए सी किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी सी बी को। क्लियर, ये किया था हमने नंबर थ्री। अब करेंगे हम सम नंबर फोर। देखो सम नंबर फोर क्या है, सम नंबर फोर में भी मुझे दो ट्रायंगल गिवन है, दो ट्रायंगल को मुझे सबसे पहले कंग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर कुछ एंगल्स वगैरह दिए गए हैं उसे भी प्रूफ करना है। पहले थोड़ा इंक डाल लूं, उसके बाद मैं बनाऊंगी, क्योंकि इससे बहुत लाइट बनेगा ना तो दिखेगा नहीं आपको। ये अच्छे से इंक डाल लिया इसमें, अब स्टार्ट करते। तो देखो सम नंबर फोर, क्या है मेरा सम नंबर फोर, फटाफट ड्राइंग बनाओ जैसा फिगर के बिना। ठीक है, दिस ए बी और ये है डी और ये है मेरा सी। सबसे पहले प्रूफ करने बोला है ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए
डी सी, पहले दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करने बोला है। तो बस जैसा भी मैंने बताया आप उसी से कंग्रुएंट प्रूफ करोगे। कैसे करोगे? ट्रायंगल ए बी पहले लिखो इन ट्रायंगल, फटाफट इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो कैसे करोगे? अभी तो दो समझ जैसा हमने किया वैसा सेम है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज कॉमन, तीनों साइड मिल गया मतलब दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया कंग्रुएंट हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज कॉमन, देयर फोर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए ए डी सी बाय एस एस एस। हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे बोला है एंगल बी को दिखाओ एंगल सी के। जब आपने एक बार कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम इजिली बोल सकते हैं, अब ये देखो ये दोनों मेरे करस्पॉन्डिंग साइड है क्योंकि इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे लेके आऊंगी तो बी सी के साथ जाएगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। बस मुझे कंग्रुएंट दिखाना है, उसके बाद सब सी पी सी टी से मेरा इक्वल हो जाएगा। सेकेंड, हाँ अब ये एंगल और ये एंगल भी अगर मैं इसे ऐसे लेके आऊं तो ये एंगल इसके साथ जाएगा मतलब इसके साथ ओवरलैप करेगा। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी किससे बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से। ये दोनों प्रूफ हो गए। अब थर्ड मुझे दिखाना है एंगल ए डी बी 90 डिग्री, एंगल ए डी बी को मुझे 90 डिग्री दिखाना है। तो सिंपल सा आप देखो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे एंगल ए डी बी, ए डी बी एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, पता ही पढ़ाई हमने कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री हो गया। अब दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, मुझे किसे दिखाना था एंगल ए डी बी को दिखाना है। ठीक, दोनों एंगल मेरे आपस में इक्वल है तो ए डी सी की जगह भी मैं ए डी बी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो यहाँ लिखूंगी मैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी को ही ना दिखाना है, ए डी बी को दिखाना, वही मुझे लगा मैंने कुछ गलत देख लिया, एंगल ए डी बी को दिखाना है। तो ए डी सी की जगह मैं एंगल ए डी बी लिख सकती हूँ, दोनों जगह ए डी बी लिखा हमने, ये आया 180 डिग्री। ए डी बी प्लस ए डी बी कितना हो गया 2 एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम यहाँ से ए डी बी निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 90 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ टू से? तो ये किया हमने 4। अब देखो 5 क्या है मेरा, कोई भी स्टूडेंट जिसे किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उनका वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। ये बन गया मेरा फिगर। अब मुझे बोला है कि सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी को कंग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ई सी के। ठीक है, अब हम इसे कंग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो दो साइड तो मुझे इक्वल दिया हुआ है, बी सी जो है वो डी सी डी के इक्वल है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है। कैसे? तो अगर मैं इसे ऐसे, ये मेरा ऐसे दिया, अगर मैं इसे उठाकर वापस ऐसे लाऊंगी तो मेरा बी सी किसके संग ओवरलैप करेगा, सी डी के साथ करेगा। ठीक है, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई, क्या क्या इक्वल है डी सी ई। नंबर वन मुझे गिवन है बी सी इज इक्वल टू सी डी, जो गिवन था लिख दिया।
सेकेंड मुझे गिवन है AC इज इक्वल टू CE, ये भी हमने लिख लिया। अब थर्ड, ये तो मुझे अपने से गिवन नहीं है, तो मैं अपने से नहीं लिख सकती कि AB जो है वो DE के इक्वल है। तो हमने दो साइड ले लिया, अब मुझे एंगल लेना है। तो मैंने क्या बोला था, जब हम साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो जो एंगल हम लेंगे वो कैसा एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। तो अब आप देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का इंक्लूडेड एंगल है, और ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का इंक्लूडेड एंगल है, और दोनों एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं है, कैसे है। तो ये दोनों एंगल मेरे क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में कट करता है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो एंगल कैसे होते, इक्वल होते। देयरफोर नंबर थर्ड मुझे क्या मिला, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, और आप ब्रैकेट में लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफोर दो साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, मतलब दोनों ट्रायंगल मेरे कंग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफोर ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DCE। अब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो इसके जितने भी पार्ट्स है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड मुझे प्रूफ करने बोला था AB को DE के इक्वल प्रूफ करो, तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं ये इंप्लाई क्या करेगा, AB इज इक्वल टू DE, और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय CP CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये किया था हमने 5। अब हम करेंगे सम नंबर, सॉरी कॉमन साइड है, ये दोनों में है, ऐसा फिगर दिया है नंबर 6 में, और मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स को, अगर आप देखो तो कौन सा साइड किसके साथ इक्वल होगा। अगर मैं इसे इस तरीके से उठाकर यहाँ पे लेके जाऊं तो मैं देखूंगी कि AD जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा, AD साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा AB के, CD साइड इक्वल हो जाएगा मेरा किसके। अच्छा, मैंने यहाँ ट्रायंगल्स का नाम नहीं लिखा ना, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, AD इज इक्वल टू, AD मेरा किसके इक्वल है, AB के, DC इज इक्वल टू DC किसके इक्वल है, BC के, और थर्ड बोल रहा है AC इज कॉमन, AC क्या है, कॉमन है। Therefore, ट्रायंगल ADC कंग्रुएंट ट्रायंगल ABC। अब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो इनके जितने भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। Therefore, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय CP CT, CP CT से ये किया हमने 6 नंबर। अब हम देखेंगे मेरा सम नंबर 7, फटाफट करते हैं। देखो 7 नंबर में क्या है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में, टोटल 15 क्वेश्चन है और सब इजी है। ये मेरा कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ये इक्वल नहीं बना ऐसा, ठीक है, ये 90 गिवन है, ये 90 गिवन है, ए सी बी डी, और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। सबसे पहला मुझे, अच्छा इसमें कंग्रुएंट प्रूफ करने नहीं बोला, डायरेक्ट बोला है प्रूफ करो कि जो बी डी है वो इक्वल है बी सी के। तो BD को BC के इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो उनके जितने भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं, हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल में देखो। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं RHS वाला रूल लगाऊंगी, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड।
तो देखो राइट एंगल तो दोनों में है, इस ट्रायंगल के लिए क्या है एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए बी डी के, एंगल ए बी डी नंबर वन। नंबर टू क्या गिवन है हाइपोटेनस, तो अभी हमने पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी। और नंबर थर्ड हम क्या लेंगे ए बी इज कॉमन, क्योंकि ए बी जो साइड है वो मेरा दोनों ट्रायंगल में है, मतलब राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और एक साइड मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाय आरएचएस, आरएचएस से हमने इसे क्या कर दिया कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी हम क्या बोल सकते हैं उसके सारे जो भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ये इंप्लाई क्या करेगा बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय सीपीसीटी। क्लियर, ये अभी हमने बनाया 7 नंबर। अब देखो 8 नंबर, एट नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है फिगर में बोला है कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये दोनों मेरा गिवन है। और प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने कुछ कुछ दो तीन चीज प्रूफ करने बोला है, सबसे पहला बोला है कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है। नंबर टू बोला है बी डी इक्वल हो जाए डी सी के, और नंबर थर्ड बोला है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये तीनों चीज मुझे प्रूफ करने बोला है। तो कैसे करूंगी, सबसे पहले मुझे कुछ भी प्रूफ करने के लिए गिवन ट्रायंगल के एंगल्स और साइड को इक्वल दिखाने के लिए मुझे दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को मुझे कंग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि एंगल ए जो है वो मेरा एंगल एंगल ए बोरी एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। लिख लो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, नंबर वन गिवन है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। नंबर टू ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो एक एंगल मिल गया एक साइड मिल गया, अब और कोई तो एंगल गिवन नहीं है तो हम साइड लेंगे, क्योंकि दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, ए डी इज कॉमन, ए डी जो है वो मेरा दोनों ट्रायंगल में है, ए डी इज कॉमन, दो साइड और एक एंगल, यानी एस ए एस रूल से दोनों क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड। अब दो ट्रायंगल को हमने कन्वर्ट प्रूफ कर दिया तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। बस मेन हमें ये इसे कन्वर्ट प्रूफ करना है, उसके बाद तो बस बाय सीपीसीटी का ही खेला है। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी क्या किस लिए इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। थर्ड बोला है ए डी जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो अगर हमने दोनों एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हम कैसे दिखाएंगे, तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी
इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी 180 डिग्री होगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो किसी एक की जगह भी आप पुट कर दो, मैं पुट कर दे रही हूँ ए डी बी, और ए डी सी को भी मैं लिख दे रही हूँ ए डी बी, दोनों ही ए डी बी है। तो ये हो गया मेरा 180, तो 2ADB आ गया 180, यानी ADB कितना आ गया मेरा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि AD जो है वो क्या है, AD मेरा BC पे परपेंडिकुलर है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर हुआ, ये किया हमने सम नंबर 8, एकदम इजी था। सबसे पहले हमने दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ किया, फिर बाय CPCT से मेरा ये एंगल और ये साइड इक्वल हो गया। थर्ड बोला था परपेंडिकुलर दिखाने, तो हमने क्या किया, उन दोनों एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया, और वो 90 डिग्री है, दैट मीन कि वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखो सम नंबर 9, ठीक है, ये बनाया मैंने जो फिगर है जैसा वैसा। अब फिर यहाँ पे ऐसे लाइनिंग है, ये है Q, ये है S, ये है P और ये है R, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल गिवन है, मतलब ऐसा फिगर गिवन है, और मुझे प्रूफ करना है PQ जो है वो इक्वल है RS के, और PS जो है वो इक्वल है QR के। तो अभी मैंने बोला कि इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना होगा, कंग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ये फिगर को अगर मैं ऐसे उठा के लेके जाऊंगी तो ये S मेरा Q के साथ ओवरलैप करेगा और P मेरा R के साथ ओवरलैप करेगा। तो लिखते हैं, अगर आपको डाउट होता है तो आप पहले एक दो बार पेपर से कट करके ट्राई करो, फिर आपको इजीली समझ में अपने आप आने लगेगा कि कौन से एंगल और कौन से साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कहलाएंगे। तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल एस, ये पी बाहर है ना, एस पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू पी, एस पी आर और आर क्यू पी में। सबसे पहले देखो एंगल एस मुझे इक्वल गिवन है एंगल क्यू के, और एंगल पी इक्वल गिवन है एंगल आर के। दो एंगल गिवन है, थर्ड हम क्या लेंगे, साइड लेंगे। कौन सा साइड लेंगे, पी आर इज कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में, और पी आर मेरा क्या आ जाएगा, पी आर इज कॉमन। देयरफोर हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एस पी आर कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर क्यू पी के। अब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव हो गया बस नॉर्मली, विच इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस बाय CPCT, और नेक्स्ट लिखना पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी बाय CPCT। क्लियर हुआ, ये किया था हमने 9। अब देखो 10 नंबर, छोटे छोटे और इजी सम्स है, इसीलिए सारे सम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये आपका 7 में न्यू टॉपिक है, पर ये न्यू टॉपिक न्यू नहीं रहने वाला है, ये आगे हर एक क्लास में हर एक जगह आपका यूज होगा। तो इसे ऐसा प्रैक्टिस हम करेंगे कि ये न्यू टॉपिक मेरे पुराने के जैसा बन जाए। एक्स Y, Z और ये है P, 90, 90, ऐसा मुझे गिवन है, ठीक है। और क्या बोला है कि प्रूफ करना है ट्रायंगल XYZ कंग्रुएंट ट्रायंगल XPZ के
नंबर टू बोला है जेड वाई वाई जेड वही वाई जेड इज इक्वल टू पी जेड, और नंबर थ्री बोला है एंगल वाई एक्स जेड इक्वल करो एंगल पी एक्स जेड के। ठीक है, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को हमें कन्वर्ट दिखाना है, और ये 90 डिग्री वाला दिख रहा है मुझे, तो आरएचएस देखते हैं, आरएचएस वाली क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो जाएगी। देखो ये दोनों 90 ही है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोनों में सेम है और एक साइड गिवन है, मतलब आरएचएस से हम दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ कर सकते हैं। 10 नंबर ना, 10 की 9 10 इन ट्रायंगल, ट्रायंगल सिंबल ही बनाओ, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एक्स पी जेड क्या गिवन है, नंबर वन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल एंगल एक्स पी जेड, एक्स वाई जेड इक्वल एंगल एक्स पी जेड के। नंबर टू गिवन है एक्स जेड इज कॉमन, एक्स जेड कॉमन है दोनों में है, जितना भी होगा वो दोनों ट्रायंगल के लिए होगा। और नंबर थर्ड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी, देयर फोर ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंग्रुएंट ट्रायंगल एक्स पी जेड बाय आरएचएस, आरएचएस से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कंग्रुएंट प्रूफ हो गए, बस अब यहां से मेरा काम खत्म, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स जेड नहीं वाई जेड, वाई जेड इज इक्वल टू पी जेड बाय सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, और नेक्स्ट एंगल वाई एक्स जेड, एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू एंगल पी एक्स जेड ये भी बाय सी पी सी टी। क्लियर हुआ, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना है। ये क्या था हमने 10, अब करते हैं 11। ठीक है, मुझे ये गिवन है, और सबसे पहला बोला है कि प्रूफ करो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए ट्रायंगल बी सी डी के, और नंबर टू प्रूफ बोला है मुझे प्रूफ करो ए सी इक्वल होना चाहिए, ए सी इक्वल होना चाहिए बी डी के। देखो दोनों ट्रायंगल को मुझे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, और ये मेरा 90 डिग्री गिवन है ऐसा, तो अब 90 डिग्री गिवन है तो आप सोचोगे सबसे पहला आरएचएस वाला क्राइटेरिया लगाने, तो उसमें ठीक है ये दोनों 90 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट आता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इसके ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला मतलब इस ट्रायंगल में हुआ मेरा बीडी, और इसमें इस 90 डिग्री के सामने वाला हुआ एसी, तो बट बीडी और एसी तो आपस में इक्वल है नहीं, तो आरएचएस लगेगा नहीं मेरा। तो अब दूसरा क्राइटेरिया देखते, दूसरा क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, पहले ट्रायंगल का नाम दो, इन ट्रायंगल एसीबी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में नंबर वन गिवन है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। ठीक है, नंबर वन ये आ गया, सी डी जो है वो मेरा ए बी के इक्वल है, सी बी इक्वल है ए डी के, नंबर टू मिल गया, और बी सी इज कॉमन, बी सी जो भी है वो इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, बी सी इज कॉमन। अब देखो चेक कर लो कि मैंने दो साइड लिया तो ये इंक्लूडेड एंगल आया है कि नहीं, तो ये साइड और ये साइड आ गया इंक्लूडेड एंगल, इसमें भी ये साइड और ये साइड आ गया इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी बाय साइड एंगल साइड। अब ये प्रूफ हो गया, तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं हम सम नंबर 12 में। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 12,
ये फिगर गिवन है और बोला है ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एओडी मींस ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल बीओसी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे इक्वल कंग्रेंट प्रूफ करने बोला है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो सबसे पहले मुझे ये दोनों साइड इक्वल गिवन है और ये दोनों साइड इक्वल गिवन है, तो जो जो पहले गिवन है वो लिख लो। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी सबसे पहला क्या गिवन है, एओ इज इक्वल टू ओबी, एओ और ओबी आपस में इक्वल है लिख दिया हमने। नंबर टू बोल रहा है डीओ इज इक्वल टू ओसी, डीओ और ओसी आपस में इक्वल है, दो साइड हो गए, ये साइड तो इक्वल हम ले नहीं सकते। अब थर्ड हम लेंगे एंगल, तो एंगल देखो कौन सा लेंगे, जब दो लाइन आपस में कट करे तो ये दोनों होते हैं मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हो गए। एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कंग्रेंट ट्रायंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड, ऐसे एस से हमने इन्हें कंग्रेंट प्रूफ कर दिया। देखो बोला है नेक्स्ट हमें बोला है क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू, पहले मैं सारा लिख ले रही हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी बोला है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी है, और नेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही प्रूविंग है इसमें, ट्रायंगल ए डी बी को कंग्रेंट दिखाना है ट्रायंगल बी सी ए के, ठीक है। तो नंबर वन तो हमने प्रूफ कर लिया, 12 का पार्ट वन कर लिया, 12 पार्ट टू देखो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर हमने कंग्रेंट दिखा दिया तो ए डी और बी सी अपने आप इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी से, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, ये हो गया मेरा। थर्ड बोला है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी मीन्स ये वाला एंगल, इस एंगल को इक्वल दिखाना है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, तो ये भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों कंग्रेंट एंगल है और इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो हो गया। थर्ड प्रूफ करने बोला है ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल है मतलब वही कंग्रेंट है ट्रायंगल बी सी ए के, ट्रायंगल बी सी ए के मतलब इस ट्रायंगल के, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कंग्रेंट है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल में मैं देखूं तो मुझे क्या क्या इक्वल मिल गया, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरा ए बी कॉमन है। तो सबसे पहले मैं इरेज कर दे रही हूं क्योंकि ये अटेगा नहीं मेरा यहाँ पे, मैं इसे साइड 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 से भी कर सकती हूँ और हाँ साइड 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 से ही करती हूँ, चलो और दूसरे में दिमाग क्या लगाना ऐसे, बाय द वे साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा, मैं दोनों ही बता दे रही हूँ, पहले देखती हूँ साइड 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 से। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए में, ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं साइड साइड से करूं तो ए डी मेरा इक्वल है बी सी के, ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी क्या है, ए बी इज कॉमन, ए बी मेरा कॉमन है, और अगर आप देखो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के ये साइड के इक्वल होगा, कैसे होगा, मैंने इसको इसके इक्वल दिखाया है और इसको इसके इक्वल दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा 4 है तो ये भी होगा 4, अगर ये मेरा 2 है तो ये भी होगा 2, अब देखो आप 4 और 2 आया 6, इसमें भी 4 और 2 आया 6, तो हम क्या बोल सकते हैं कि DB जो है वो इक्वल होगा AC के, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
बी सी ए के, ये तो किया हमने साइड साइड साइड, आप साइड एंगल साइड लेके भी कर सकते हो, उसमें आपको ये वाला साइड अगर इस ट्रायंगल में लोगे तो ए डी साइड आपका बी सी के इक्वल हो जाएगा, डी बी साइड ए सी के इक्वल हो जाएगा और एंगल ए डी बी आपका ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। आप दोनों में से जो वे आपको सुटेबल लगे आप कर लेना, ठीक है। ये क्या था हमने सम नंबर 12, अब हम करेंगे सम नंबर 13। 13 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसे हम ध्यान से समझेंगे कि 13 में क्या बोल रहा है। देखो पहले अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 13। सम नंबर 13 में देखो ऐसा कुछ मेरा फिगर गिवन है, ये है बी, ये है ए, ये है डी, ये है सी और ये है मेरा ई, ठीक है। क्या बोल रहा है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है और बीई जो है वो मेरा एसी पे परपेंडिकुलर है, क्लियर हुआ। मुझे प्रूफ करने बोला है एडी को आप इक्वल दिखाओ बीई के, और नेक्स्ट मुझे बोला है बीडी को आप इक्वल दिखाओ सीई के, ठीक है, मुझे इक्वल दिखाना है। तो आप देखो AD और BD मेरे किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ABD ट्रायंगल में, तो इसे मैं अलग से ऐसे यहाँ ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये है 90 ABD। नेक्स्ट आप देखो BE और CE, वो मेरा आ रहा है BEC ट्रायंगल में, इसे भी मैं अलग से यहाँ ऐसे ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये है मेरा E, ये है C और ये है B, ये भी है 90, ठीक है। अब देखो ए बी सी था मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ए बी सी मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जितने भी साइड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल होता है मेरा 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है मेरा 60 डिग्री, तो एंगल बी बी होगा 60 और एंगल सी बी होगा 60, ठीक है। अब हम यहां करते हैं, तो क्या लिया है हमने, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ई सी, पहला क्या आया मेरा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ठीक है, 90 90। दूसरा आया ए बी इज इक्वल टू बी सी, और नंबर थर्ड आया एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ठीक है। देयरफोर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ई सी के, अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, देयरफॉर बाय सीपीसीटी एडी इक्वल हो जाएगा मेरा बीई के और बीडी इक्वल हो जाएगा मेरा सीई के, दोनों के जगह हम क्या लिखेंगे बाय सीपीसीटी, क्लियर। अब देखते हैं सम नंबर 14 में क्या बोल रहा है। फोर्टीन में मेरा ऐसा कुछ फिगर गिवन है, ये हमने ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर गिवन है मेरा, ये साइड इक्वल है, ये साइड, ये मेरा इक्वल बना नहीं, ये आप ठीक से ड्रॉ कर लेना, मुझे थोड़ा हड़बड़ी में मैंने किया इसीलिए, देखो ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, ये है बी, ये है ए, ये है डी और ये है सी, ये एंगल गिवन है 50 डिग्री, ये एंगल गिवन है x प्लस 5 डिग्री, ये एंगल गिवन था 38 डिग्री और ये एंगल गिवन था y माइनस 7 डिग्री। सबसे पहले मुझे बोला है इस फिगर में कि क्या करना है, सबसे पहले मुझे बोला है कि आप ट्रायंगल ए बी डी को कंग्रुएंट दिखाओ ट्रायंगल बी सी डी के,
तो इन दोनों ट्रायंगल को कन्वेंट दिखाना है। दोनों ट्रायंगल को कन्वेंट दिखाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो देखो क्या क्या गिवन है मुझे, ए बी इक्वल है बी सी के, नंबर टू गिवन है ए डी इक्वल है डी सी के, और तीसरा बी डी इज कॉमन, बी डी मेरा दोनों ट्रायंगल में है, बी डी इज कॉमन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी सी डी के। पहला हमने दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा दिया, नेक्स्ट बोला था कि फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो आप देखो अगर दोनों ट्रायंगल को हमने कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के, एंगल डी बी सी के बाय सी पी सी टी। तो एंगल ए बी डी है मेरा 50 डिग्री इक्वल हो जाएगा x प्लस 5 डिग्री के, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। वैसे इसमें अगर हम करेंगे तो y माइनस 7 मेरा इक्वल हो जाएगा 38 के, y मेरा कितना आ जाएगा 38 प्लस 7, ये भी हो जाएगा 45। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट मेरा लास्ट एंड फाइनल 15 नंबर। देखो 15 नंबर में क्या करना है, बोल रहा है कि एक फिगर है एबीसी जो है वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मुझे परपेंडिकुलर दिखाना है ना, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, ए बी सी मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, और क्या गिवन है बी डी जो है वो इक्वल है सी डी के। सबसे पहले प्रूफ करने बोला है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कंग्रुएंट है। कौन से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी को कंग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ए डी सी के, ट्रायंगल ए डी सी के इन दोनों ट्रायंगल को। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक तो मेरा ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दूसरा ये साइड कॉमन है, और बी डी और सी डी इक्वल दिया हुआ है, हो गया। आर एच एस तो मेरा लगेगा नहीं क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है नहीं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल 15 ना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। नंबर वन क्या गिवन है, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। नंबर टू गिवन है बी डी इज इक्वल टू डी सी, और नंबर थर्ड क्या गिवन है ए डी इज कॉमन, ए डी इज कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। नेक्स्ट बोला है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो वो इजी है, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी के बाय सी पी सी टी से, और एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के बाय सी पी सी टी के। ये दोनों को इक्वल प्रूफ करने बोला था, ये सी पी सी टी से मेरा इक्वल हो जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज मेरा फिनिश हो गया। तो कंग्रुएंसी से हमने क्या सीखा कि दो फिगर को कंग्रुएंट हम लोग तब बोलेंगे जब वो दोनों फिगर आपस में ओवरलैप करेगा, और ट्रायंगल को हम, अगर हमें दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके सारे साइड्स और एंगल्स को इक्वल दिखाने का दरकार नहीं है। जो फोर क्राइटेरिया हमने सीखा उससे हम, उससे उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।